हम लोग भारतीय खाद्य निगम टंडा में कांटे पर धान गेहूँ बेचते थे, लेकिन अब इस वर्ष जो है वहाँ पर खरीद कांटा नहीं लगेगा, इसलिए खरीद नहीं हो पाएगी, इसलिए हम लोग सामने बहुत समस्या है। किसानों के हित में उस कांटे को शुरू करना बहुत जरूरी है। अधिकांश किसान वहीं पर अपना अनाज बेचते थे और तुरंत पैसा पाते थे। अम्बेडकर नगर जिले में इस बार धान क्रय केंद्रों की संख्या कम होने की वजह से जो धान के किसान हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे धान केंद्र थे जहाँ पर घटतौली होती थी, वहाँ अनियमितताएँ थीं, उनको सीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब धान बेचने में किसानों को इस बार बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर प्रशासन ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो इस बार किसानों को अपने धान के लिए मजबूरन इधर उधर सेंटरों पर भटकना पड़ सकता है। पंकज मिश्रा, ईटीवी भारत, अम्बेडकर नगर।